रसिकों ने सदा किशोरी जी के चरणों की ही महिमा गाई है, उनके चरणों की नख छटा पर अपने प्राण न्योछावर किए हैं। श्री महाराज जी श्यामा श्याम गीत में कहते हैं, जहां जहां चरण कमल परि श्यामा हे किशोरी जू, हे कृपा कारिणी, हे स्नेहाधिका, हे प्रेम प्रदायिनी, हे सहज स्नेहा शरणागत वत्सला पतित पावनी, आप तो स्वयं कृपा की बनी है। और ऐसा रसिकों से सुना है कि आप अधम से अधम जीवों को भी अपनी किंकरी बनाकर अपनी निज लीला में प्रवेशिका प्रदान करती हैं। हे किशोरी जू, मैं अपना सामर्थ्य जानता हूं, मैं अपना सामर्थ्य जानती हूं। अनंतानंत जन्मों से, त्रिताप से जलने वाली मैं एक तुच्छ जीवात्मा, दिन रात माया के थपेड़ों में जूझने वाली मैं एक जीवात्मा, लेकिन पता नहीं ऐसे क्या सुकृत बन गए उन पूर्व जन्मों में कि तुमसे मिलाने वाला कोई गुरु मिल गया, जिसने हे किशोरी जो तुम्हारा पता बताया। और जब तुम्हारे बारे में पता चला, तुम्हारे स्वभाव के बारे में पता चला, उसके पश्चात हे किशोरी जू, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सारे पुरुषार्थ अब फीके लगते हैं। सामर्थ्य नहीं है मेरा, मैं बहुत पीछे हूं, लेकिन गुरु ज्ञान से ये लक्ष्य नहीं दिखता कि धर्म मेरा लक्ष्य है, अर्थ कमाना मेरा लक्ष्य है, काम मेरा लक्ष्य है या मोक्ष मेरा लक्ष्य है। मैं ये भी जानती हूं, मैं ये भी जानता हूं कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थ परस्मृतः एकांत भक्तिर् गोविंदे। वो एकांत भक्ति गोविंद की उसका उसको करने का भी सामर्थ्य नहीं है मुझ में। तत्कुरुष्व मदर्पणम्, लेकिन फिर भी वो गुरु ज्ञान सामने आ जाता है, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं। अब तो बस मन युगल मूर्ति में लगता है। अब तो मन हे किशोरी जू युगल रस में लगता है। सामर्थ्यहीन हूं, पात्रहीन हूं, अयोग्य हूं,
लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है। हे किशोरी जू, इसलिए अब तो एकमात्र तुम्हारे भरोसे का अवलंब है मेरे पास। मेरे पास अपना कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन तुम्हारे भरोसे का अवलंब है, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूं कि एक बार यदि कोई चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीनाम, यदि कोई एक बार श्रद्धा से आपके चरणारविंद में अपना शीश मन बुद्धि सहित धर देता है, तो हे राधे रानी, अधम से अधम जीवों को भी आप हृदय से लगा लेती हैं। हे किशोरी जो, अब अपना प्रेम प्रदान करो, और जब आपका प्रेम मिल जाएगा, बस ये प्रेम ही तो प्रमुख है। अपनी उपासना में एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका कोई भी कर्म यदि भक्ति में परिणत नहीं होता तो फिर वो कोरा कर्म है, उसका कोई भक्ति के क्षेत्र में फल नहीं है, उपासना नगण्य मानी जाएगी। फिर आप अपने उपासक के, आप अपने उपास्य के उपासक नहीं हैं, इस बात का सदा ध्यान रखिएगा। केवल कर्म कर लेने मात्र से भक्ति नहीं होती, आपका प्रत्येक कर्म यदि अपने इष्ट, यदि अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए हो रहा है तो वो भक्ति है, वो प्रेम है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् कुरुष्व मदर्पणम्। गीता का सिद्धांत है, हे पार्थ, यत् करोषि यदश्नासि, जो करते हो अपने इष्ट अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए करो। यदि तुम्हारी क्रिया गुरु को प्रसन्नता प्रदान नहीं करती तो वो भक्ति नहीं है, वो प्रेम नहीं है। इसीलिए अपनी उपासना में आपको प्रतिक्षण सावधान होकर ये देखते रहना है, क्या मेरी इस क्रिया से मेरे इष्ट प्रसन्न होते हैं, क्या मेरी इस सेवा से मेरे इष्ट मेरे गुरु प्रसन्न होते हैं, तो भक्ति। वरना वो मात्र कर्म है, कोई फल नहीं मिलेगा। प्रेम में एक बात का ध्यान रखना है, कभी कभी आप ये समझ बैठते हैं कि हम कर्म करेंगे, हम योग करेंगे, ये जो अन्य मार्ग हैं, इन मार्गों से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। इसीलिए तुलसीदास जी ने डंके की चोट पे कहा, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभ्यंतर मल कबहू न जाई, कबहू न जाई। जैसे इसको यूं समझिए,
आप स्नान करने जाते हैं ना, किस लिए जाते हैं? अजी बड़े मैले हैं इसलिए स्नान करने जा रहे हैं। तो मैल उतारने के लिए क्या करते हैं? साबुन लगाते हैं, है खूब साबुन मला, खूब साबुन मला। वो साबुन में, साबुन की झाग में मैल मिश्रित हो गया और सब मैल वैल निकल गया। अब मुझे ये बताइए कि क्या आपका मैल निकल गया? बिल्कुल निकल गया। कैसे निकला? साबुन से निकला। ठीक, तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो साबुन लगे देह में गुसल खाने से बाहर आ जाता हो? मैल तो निकल गया। अरे मैल तो निकल गया साबुन से, तो अब और क्या आवश्यकता है? चलो कपड़े पहनो। किसी को देखा? नहीं। अरे मैल निकालने के लिए साबुन चाहिए, अब ये साबुन और मैल को हटाने के लिए जल चाहिए। ये कर्म, ये योग, ये मैल तो उतारते हैं लेकिन कौन सी? अभ्यंतर नहीं, ये सीमित मैल उतार के अहंकार का साबुन और लगा देते। वो साबुन भी मैल है, इसीलिए जल की जरूरत है। वरना यदि साबुन मैल ना होता तो क्या आप साबुन सहित ना आए होते बाहर? आपको जल की जरूरत क्या होती? इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, अभ्यंतर मल। जब हम कुछ साधन करते हैं ना, ये कर्म योग आदि के, तो इन साधनों के करने से थोड़ी श्रद्धा तो बनती है लेकिन उससे अधिक अहंकार बनता है। ये अहंकार कैसे जाएगा? ये है अभ्यंतर मैल, अंदर का मैल। तो ये जो अंदर का मैल है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष आदि, ये इन साधनों से हटने वाला नहीं है, ये प्रेम से हटेगा।